पंखा है हमारा, जो कि ये स्लो चल रहा है, उतना तेज नहीं है जितना तेज होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको जानते हैं। इसमें कैपेसिटर की कमी होती है अगर पंखा स्लो हो जाता है या वाइंडिंग की होती है, पर इसका वाइंडिंग ठीक है। वोल्टेज का भी इश्यू होता है, देखते हैं कंडेंसर लगाने पे ये तेज होता है कि नहीं। हमने एक कंडेंसर लेके आया हूँ मैं, एक हाँ ढाई का लगता है इसमें, कंडेंसर जो है ढाई का लगता है, देख सकते हैं आप। टिपकॉन का लाया है, ढाई का है ये MFD का, ठीक है। अब इसको हम चेंज करके देखेंगे पंखा हमारा इससे तेज हो रहा है कि नहीं, या वोल्टेज का इश्यू है। देखिए हम पंखे के पास आ गए हैं, पंखे के पास आने के बाद हम ढक्कन को, ये नीचे वाले ढक्कन को खोलेंगे। अब कहिए, ये कंडेंसर का दो तार है, ये चेंज कर देंगे हम। पेच को ढीला कर लेंगे, ढीला करने के बाद ये देखिए हमारा उषा कंपनी कैपेसिटर है जिसको हमने इसमें से निकाल लिया है। हाँ ये आपका 2.25 MFD का है, 2.25 का है। तो ढाई का टिपकॉन का लाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5% ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 3.25 का भी लगा सकते हैं, लोकल अगर मार्केट में लोकल मिलता है तो 3.25 का लगाइए, क्योंकि वो उसका जो होता है कंपनी अगर 2.5 का बना के देती है तो लोकल 3.25 का वहाँ यूज कीजिए। मैं टिपकॉन का लाया हूँ, ये 2.5 MFD का है, ठीक है। 404 इंच वोल्ट, 50 हर्ट्ज, तो ये भी ठीक ही ठाक है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई मार्केट खुला नहीं है, तो ये मुझे 40 रुपये का मिला है। इसको मैं पंखा में लगाऊंगा और देखूंगा कि पंखे की स्पीड तेज हुई या नहीं। देखिए हमने चेंज कर दिया है, टिपकॉन का लगा दिया है, नया, बिल्कुल नया। जो था उसका हमने कनेक्शन कर दिया है, अब देखते हैं इसका ये सही से चलता है कि नहीं। ढक्कन को नीचे कर देंगे, इसको हमने नीचे कर दिया है। अगर आप घर पे करते हैं तो कृपया सावधानी पूर्वक करें, इसमें करंट लगने का खतरा रहता है, झटका लग सकता है आपको। तो हो सके तो आप मेन बोर्ड से DP चाहे मेन MCB जो लगी हो वो आप गिरा के फिर इसको इस काम को कर सकते हैं, फिर झटका लगने का खतरा हट जाएगा। बट जब भी करें सावधानी पूर्वक करें। अब देखते हैं ये पंखा कितना स्पीड देता है, चलता है। बोर्ड स्विच बोर्ड के पास अब बटन ऑन करते हैं, देखते हैं पहले से कितना हुआ कि उतना ही स्पीड है। नहीं, वाह, अब इसकी स्पीड भी बढ़ गई है काफी, और फैन से आवाज भी आ रहा है, पहले आवाज नहीं आता था, बहुत स्लो था। तो इसमें कंडेंसर
या कैपेसिटर बोल सकते हैं आप, इसकी दिक्कत थी। अब सुन सकते हैं आप इसकी आवाज़, फैन की स्पीड काफ़ी तेज हो गई है और हवा भी अब नीचे आ रहा है। अब लग रहा है कि हाँ शरीर में कुछ लग रहा है, तो अब ऐसे करके आप कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं ध्यानपूर्वक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद।